गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का GK की बुक का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है ट्रीज। ठीक है, ये किस बारे में है? ट्रीज के बारे में, इस तरह के बड़े बड़े ट्रीज के बारे में। देर आर सो मैनी यानी बहुत सारे, सो मैनी यानी बहुत सारे प्लांट्स यानी पौधे होते हैं अराउंड अस यानी आसपास। सम आर बिग यानी बड़ा है ना, उनमें से सम यानी कुछ बिग होते हैं, वाइल सम आर स्मॉल उनमें से कुछ स्मॉल होते हैं। जैसे कि ये पिक्चर हम देख रहे हैं तो इसमें ये ट्री जो है ये बहुत बिग है, पर यहाँ पर जो ग्रीन हम नीचे देख रहे हैं ये ग्रास है, तो ग्रास बहुत स्मॉल है। ग्रास भी एक प्लांट है और ट्री भी एक प्लांट है, पर एक बिग है और एक स्मॉल है। ठीक है, आगे देखते हैं। बनियान ट्री इज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग ट्री, इसको बनियान ट्री बोलते हैं। हमारे गांव में भी बहुत सारे उगे रहते हैं जिसके ऊपर से ऐसे तरह की जड़ें ही निकलती रहती हैं, नट रूट्स निकलती हैं जो नीचे टच हो जाती हैं, फिर ये और बड़ा होता जाता है। तो बनियान ट्री इज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग ट्री, ये बिग होता है और स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसकी बहुत सारी रूट्स होती हैं और ये बहुत मोटा भी हो जाता है। बिग यानी बड़ा, स्ट्रॉन्ग यानी है ना मजबूत। और बनियान ट्री किसको बोलते हैं? बरगद को, है ना, बनियान ट्री यानी बरगद ट्री। मैनी एनिमल्स, मैनी यानी बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव ऑन इट, इसके ऊपर एनिमल्स भी रहते हैं है ना, जैसे कि स्क्वेवल है ना, और बर्ड्स बहुत सारे बर्ड्स इनके ऊपर अपना नेस्ट बनाकर रहते हैं। एंड इंसेक्ट जैसे कि एंट्स होती है वो इनके ऊपर रहती है, और भी छोटे छोटे बग होते हैं जैसे कि इनके ऊपर जो फ्लावर आते हैं उनसे बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई उनके ऊपर बैठती है। तो मैनी एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन इट, इसके ऊपर मैनी यानी बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट रहते हैं। इट लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, मैनी यानी बहुत और मैनी यानी बहुत, दोनों साथ में आ गए, मतलब मैनी यानी बहुत ज़्यादा सालों तक, ईयर्स यानी सालों तक, लिव्स यानी ये जीवित रहता है ये वाला पेड़। ठीक है, ये इस पेड़ को अगर काटा नहीं जाए तो ये कई सालों तक जिंदा रहता है, लगभग 1000 ईयर तक ये जिंदा रह सकता है। इट स्प्रेड्स आउट अलॉट, स्प्रेड्स यानी फैलना, स्प्रेड्स यानी फैलना, आउट यानी बाहर, ये बाहर बहुत ज़्यादा फैलता है ना। देखिए, ये देखो ये डाली, अगर ये लंबी होती जाएगी, अगर ये इतनी लंबी हो जाएगी तो इसके नीचे से एक जड़ ऐसे लटकेगी और वो भी वहीं पर एक ट्री की तरह बन जाएगा। देखो ये पहले स्टार्ट में बस यहीं पर था, पर इसकी डाली से ये रूट गिरी तो ये और बढ़ गया है ना, फिर ये रूट गिरी, ऐसे ये इतने इलाके में फैल गया, तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा फैलता है। इट हैज़ ए थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक, इस बीच के हिस्से को ट्रंक बोलते हैं, है ना, तना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और थिक यानी मोटा होता है, बहुत थिक यानी मोटा और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता है इसका। इट गिव अस शेड एंड शेल्टर, गिव यानी देना है ना, ये हमें क्या देता है? शेड यानी छाया, देखो इसके आसपास छाया है, शेड देता है। एंड शेल्टर यानी छुपने की जगह भी ये देता है ना, हमें देता है और एनिमल्स को भी देता है, बहुत सारे एनिमल्स इस पर रहते हैं। शेल्टर यानी घर भी कह सकते हैं हम शेल्टर को, तो बहुत सारे एनिमल्स का घर इसके ऊपर रहता है। अब यहाँ पर हमको 5 ट्रीज के नाम लिखने हैं एक एक करके। ठीक है, तो लिखते हैं हम, अब इसके नाम हम लिखते हैं यहाँ पर अलग अलग ट्रीज के। जैसे कि सबसे पहले इसी का नाम लिख लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? बनियान ट्रीज, है ना, तो बी है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? BANYAN बनियान ट्री, बनियान ट्री है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? बनियान ट्री। फिर उसके बाद और भी ट्रीज के हम नाम लिखते हैं, जैसे कि एक ट्री होता है हमारे आसपास, कौन सा? नीम है ना। फिर और किसका नाम लिखें? ऑरेंज का भी ट्री होता है, तो ऑरेंज का नाम लिख देते हैं, ऑरेंज ट्री है ना। फिर उसके बाद देखते हैं ऑरेंज मैंगो भी ट्रीज पर लगते हैं, तो एम एम
mango 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 tree 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 पर लगता है। उसके अलावा और क्या लगता है? गवावा है ना, गवावा भी ट्री पर लगता है। पाइनएप्पल भी ट्री पर लगता है ना। और क्या चीज़ें ट्री पर लगती है? और भी बहुत सारी, एप्पल भी ट्री पर लगता है। तो हम एप्पल का नाम लिख देते हैं, APPLE, एप्पल ट्री, एप्पल ट्री है ना। इस तरीके से ये सारे हमने ट्रीज के नाम लिखे। फिर इसके बाद सम प्लांट्स ईट एनिमल्स, ईट यानी खाना, एनिमल्स यानी जानवर, जानवरों को खाना। प्लांट्स, प्लांट्स कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो जानवरों को खा जाते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका फ्लावर खुले हुए मुंह की तरह रहता है, जिसके अंदर मीठा रस लगा रहता है, जिसको खाने के लिए बहुत सारी एंट्स और हनी बी ये सब उसके अंदर चले जाते हैं, और वो उसका फूल, उसका फ्लावर मुंह की तरह बंद हो जाता है और वो उसी के अंदर मर जाते हैं। तो वो प्लांट्स क्या करते हैं? एनिमल्स को खा जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी रहते हैं। पिचर प्लांट्स, इनको क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट्स है ना, पिचर प्लांट्स बोलते हैं उनको। कैन ट्रैप माइस, माइस को भी, माइस यानी चूहा, चूहे को भी वो ट्रैप यानी फंसा सकते हैं, ट्रैप को यानी फंसा सकना। फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स को भी फंसा लेते हैं और इंसेक्ट्स को भी वो फंसा लेते हैं है ना। फ्रॉग यानी मेंढक और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, तो इन सभी को वो फंसा लेते हैं। वो इतने पावरफुल होते हैं पिचर प्लांट्स कि वो छोटे मोटे इंसेक्ट और फ्रॉग, माइस इनको भी फंसा लेते हैं। माइस यानी चूहा, फ्रॉग यानी मेंढक, इनको भी फंसा कर वो खा जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को खाने वाले प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको, वीडियो को रोक लीजिए और ये सारे नेम इसमें लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका फोटो खींच कर आप व्हाट्सएप पर डाल देंगे है ना, और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।